मम्मी यहाँ पे पूरी तल रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन ब्लॉगर अनामिका। मैं हूँ अनामिका, कैसे हैं आप लोग। एंड आज है रक्षाबंधन। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की बहुत 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 सारी बधाइयाँ मेरे सारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को एंड मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली को। रक्षाबंधन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारी हार्दिक बधाइयाँ। आप सभी आज का फेस्टिवल बहुत अच्छे से इन्जॉय करिए। सारे भाई बहन आज के दिन बहुत अच्छे से रहिए, बिल्कुल मत लड़िएगा, बिल्कुल मत झगड़िएगा। और भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा है कि उसमें लड़ाई झगड़े इतने होते हैं ना, एंड बस चुटकी बजाते ही फिर से सुलह हो जाती है। मतलब ये रिश्ता ना सबसे अलग और सबसे अनमोल रिश्ता होता है। सो अभी हम लोग 7:30 बजे उठे हैं आज सुबह मॉर्निंग में, तो मतलब आज हम लोग सुबह 7:30 बजे उठे हैं सभी को ही, बिकॉज रात को हम लोग बहुत लेट तक जागे रह गए थे। एक्चुअली चीकू सो ही नहीं रहा था, बेबी सो ही नहीं रहा था, उसको खेलना था तो सबके साथ मिलके वो इतनी मस्ती कर रहा था, इतना खेल रहा था, तो हम मतलब सो ही नहीं पाए। 3:30 बजे के आसपास हम लोग सोए हैं एंड अभी जा करके सर को ही उठा है, चाय वाय हमने पिया है अभी। और मैं थोड़ा सोच रही हूँ ना, ये वाला जो बैकग्राउंड है ना, तो इसको हम लोग बर्थडे डेकोरेशन हो, एनिवर्सरी डेकोरेशन हो, जो भी हो, तो हम लोग इस वाले वॉल को यूज़ करते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा कुछ डेकोरेट करते हैं। रक्षाबंधन है, थोड़ा सा फेस्टिव वाला लुक होना चाहिए, फेस्टिव वाला माहौल होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर हो पाया तो ठीक है, अगर नहीं हो पाया तब तो ऐसा नहीं करेंगे, बट ट्राई ज़रूर करूँगी। और ये रही मेरी मेहंदी, देखो मैंने पीछे नहीं लगाया, बिकॉज मैंने ये 5 मिनट भी नहीं रखा है अपने हाथ में। इतना ज़्यादा चीकू रोने लगा था, उसको मेरे पास उस वक्त आना ही था, 5 मिनट में ही मैंने ये वाली मेहंदी उतारी थी। और मुझे ज़्यादा अच्छा मेहंदी लगाने आता नहीं है, बट जैसे भी लगाया था, देखो ये वाला नाम मैंने यहाँ पर लिखा है किट्टू, यहाँ पे मैंने नाम लिखा है किट्टू। भाई को, भाई का निकने में किट्टू, तो हम लोग किट्टू ही बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम लिखा है। और ये है मेरी मेहंदी, पीछे मैंने नहीं लगाई है, बट जो भी है शगुन का मेहंदी हो गया, भाई के नाम की मेहंदी हो गई, बहुत है। तो चलिए आगे क्या क्या होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड ट्राई करूँगी कि ये वाला वॉल मैं डेकोरेट करूँ। अगर हो पाया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो फिर देखते हैं क्या होता है। सिंपली बस ऐसे ही यहाँ पे सोफ़ा पे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और आज मैं क्या पहनूँगी, चिकू क्या पहनेगा, भाई क्या पहनेगा, वो सब आपको आगे की वीडियोस में देखने को मिलेगा। उधर यहाँ पे बाबू इतना रो रहा है, तो मैं थोड़ा सा उसको देखती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. आज का प्यारा सा कॉर्नर, मैंने सिंपल ये दोनों साड़ी से मैंने डेकोरेशन किया है। और मामा ने फिर बोला कि यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लगा दो, तो ये ना चीकू के बर्थडे की फ़ोटोज़, ये 1 मंथ 2 मंथ वाला था ना, तो ये मम्मी ने ही ऑर्डर किया था, मम्मी ने ही मंगाया था। चीकू के यहाँ का जो बर्थडे का सेलिब्रेशन था, वो मम्मी ने ही सारा कुछ प्रिपरेशन किया था। तो उसके बाद वो फ़ोटो मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया है। और देखो ये थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा लग रहा है, सिंपल सोफ़ा से तो अच्छा ही लग रहा है। मम्मी यहाँ पे सुपर बिजी है। मम्मी क्या क्या बन रहा है आज खाने में? मम्मी यहाँ पे आटा वाटा सेट कर रही हैं, है ना? देखो मैं आटा बना दी, लगा दी आटा, और लिट्टी के लिए प्रिपरेशन कर दी सत्तू, हाँ, और आलू गोभी का सब्जी बनाई, वाह, बनाई, वाह, कढ़ाई बनाई, वाह, चावल का खीर बना दी, एक बार सिंगा का खीर बना दी, और दूध के लिए बिरयानी का प्रोसेस जारी है। वाह 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 मम्मा वाह, थैंक यू मम्मा। हैप्पी रक्षाबंधन। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, 11 बजने वाला है और हम लोग अभी कुछ भी नहीं किए हैं। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना, ये ना राखी कॉर्नर एक हो गया है, यहाँ पे हम लोग राखी बांधेंगे तो अच्छा अच्छा सा लगेगा, फोटोज अच्छा आएगा ना। और चीकू अभी सो रहा है, तो उसके जागने का हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि उसको अगर नींद से फिर ऐसे जगाओ ना, तो वो बहुत ज़्यादा रोने वोने लग जाता है, बहुत चिड़चिड़ हो जाता है, तो फिर हम लोग उसको सोने देते हैं अच्छे से। तो वो जब भी उठेगा, जब भी जागेगा, तो हम लोग उसको रेडी करेंगे, नहलाएंगे, और फिर मैं नहाऊंगी, फिर मैं रेडी होंगी, और क्या पहनने वाले हम लोग वो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. चीकू हो गया यहाँ पे, बिल्कुल रेडी हो गया है। ओह माय गॉड, कितना क्यूट क्यूट से लग रहा है टचून।
और ये वाला ड्रेस है बेबी शार्क वाला टी शर्ट और पैंट, ये वाला इसकी मासी ने इसको गिफ्ट किया है, रक्षाबंधन गिफ्ट मिला है इसे अपनी माऊ दीदी की तरफ से। जा पिकाबू पिकाबू। और चीकू बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हम लोग रेडी होने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है मम्मा आपको ये वाला डेकोरेशन? अच्छा लग रहा है ना? मम्मा हो गए यहाँ पे रेडी, भाई हो गया बिल्कुल रेडी, चीकू भी हो गया रेडी, अब मेरे को रेडी हो रहा है। और हर साल की तरह मम्मी यहाँ पे बांध रही है कान्हा जी को राखी। मैं भी बांधती हूँ राखी कान्हा जी को मम्मी बांधने के बाद, फिर मैं बांधूंगी। और यहाँ पे मम्मी बांध रही है सिंदूरदानी में कि हमेशा कान्हा जी सुहाग की रक्षा करें ना मम्मा की रक्षा करें कान्हा जी। मैं भी हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, ये वाला ड्रेस मैंने पहना है, ये ड्रेस मुझे दी ने गिफ्ट किया है राखी पे, और दी ने ही बोला था कि ये वाला ड्रेस पहन लेना, तो मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। और भाई बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुका है, वहाँ पे नानी है, मम्मी है, चीकू बिल्कुल रेडी है, यहाँ पे आरती की थाली और राखी की थाली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब बस बचा है तो राखी बांधना, भाई को बहुत तेज भूख लगा है और एक बजने वाला है, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्चुअली लेट हो गए हैं, तो फटाफट से राखी बांधते हैं और उसके बाद मैं आपको अपना प्रॉपर पूरा ड्रेस सिखाऊंगी और जो भी फोटोग्राफ्स होगी वो वीडियो के बाद में शेयर कर दूंगी। और मम्मी यहाँ पे पूरी तल रही है और भाई का हालत बहुत ज्यादा खराब है, चीकू दे रहा है, चीकू स्पून दे रहा है, ले लो ले लो ले लो ले लो ये। और यहाँ पे हमारा लंच बन के बिल्कुल रेडी है और अभी हम लोग फटाफट से लंच लेंगे। सो फाइनली हमारा सेलिब्रेशन हो गया है, हमने राखी वाखी बांध ली है, अभी बहुत देर हो गया है लंच के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लगा है और काफ़ी ज़्यादा हम लोग टायर्ड हो गए हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो अभी हम लोग फटाफट से लंच लेंगे और उसके बाद हम लोग सोएंगे। और चीकू बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, उसका भी ड्रेस वगैरह चेंज करना है, उसको थोड़ा सा फ्री होना है और वो अभी सोने के मूड में आ गया है। तो आई होप आप सभी का रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया होगा, ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने भेजा था तो मैंने ये वाला भी बांधा है और हस्बैंड नहीं बांध पाए उनका राखी क्योंकि हस्बैंड अभी इस बार भी आउट ऑफ स्टेशन है तो वो
जब ही आएंगे तभी वो राखी बांधेंगे। एंड चिकू ने अपनी दोनों बहनों का राखी बांध लिया है। मेरी ये अपनी कजन का मतलब अपनी चाचा की बेटी का राखी नहीं बांध पाया बिकॉज उनका राखी हमारे पास नहीं है। लास्ट ईयर मेरे पास एक्स्ट्रा था तो मैंने बांध दिया था, बट इस ईयर मेरे पास एक्स्ट्रा राखी भी नहीं है जो मैं बांध पाती। बट कोई ना, जब भी हम लोग जाएंगे मैं जब जाऊंगी ससुराल तो उसका राखी भी से बांधूंगी। तो आई होप कि आप सभी का रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया होगा, सारे बहन भाई का प्यार हमेशा बहुत अच्छे से बना रहे। एंड देखो यहाँ पे चिकू क्या कर रहा है अभी, ये बिल्कुल मूड में नहीं है कि अभी हम लोग कुछ और शूट करें और इसको अभी सोना है फटाफट से। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, नामिका मिलेगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय गाइस, लव यू ऑल अगेन, अ वेरी 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 हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, बाय।